ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशंस, हम जानते हैं मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है इसकी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस मैक्सिमम होती है एंड माइनस मिनिमम होती है। तो बस ये ए है, ये बी है, 12 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर, ये माइनस में नेगेटिव वैल्यू हो गई, ये पॉजिटिव में मैक्सिमम वैल्यू हो गई। ये जो एफ थीटा है ये मैक्सिमम मिनिमम के बीच में है। अब 144 प्लस 25 169, यानी कि माइनस इसका रूट होगा माइनस 13 और 13, तो मिनिमम वैल्यू माइनस 13, मैक्सिमम वैल्यू 13। अगला है 12 कॉस थीटा प्लस 5 साइन थीटा प्लस 4। तो पहले इसका निकाल लेते हैं, 12 कॉस थीटा प्लस 5 साइन थीटा का, इसमें क्या है, ये ए है और ये बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में, ये माइनस 13 आ रहा है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये प्लस में, तो 13 यहाँ आ गया, माइनस 13 और 13। अब इसमें प्लस 4 और कर दीजिए दोनों साइड, मतलब इसमें भी प्लस 4 कर दीजिए, इसमें भी प्लस 4 कर दीजिए, माइनस 13 में प्लस 4 करेंगे तो माइनस 9 आएगा और 13 में 4 ऐड करेंगे तो 17 आएगा, माइनस 9 और 17 के बीच में है ये। फिर है 5 कॉस थीटा प्लस 3 साइन पाई बाय 6 माइनस थीटा प्लस 4। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले इसको ओपन कर देंगे, साइन ए माइनस बी फॉर्म में है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब साइन पाई बाय 6 यानी साइन 30 डिग्री होता है हाफ, कॉस 30 डिग्री होता है रूट 3 बाई 2, यहाँ आ गया। अब कॉस वाला टर्म जो है 7 ले लीजिए, 7 वाला लेंगे, ये हो जाएगा 5 प्लस 3 बाई 2, 5 प्लस 3 बाई 2 है 13 बाई 2, और ये रूट 3 बाई 2 इंटू 3 यानी कि 3 रूट 3 बाई 2। अब यहाँ देखिए ये वाला टर्म लीजिए, 4 को अभी छोड़ दीजिए, ये 13 बाई 2 ए है और 3 रूट 2 बाई 2 ये बी है, ये ए है ये बी है, तो इसको लीजिए स्क्वायर ए स्क्वायर, ये ए है ये बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस में रख दीजिए यहाँ प्लस में रख दीजिए, तो वैल्यूज आएगी आपकी कितनी, माइनस 14 बाई 2 और 14 बाई 2, यहाँ तक ठीक है, यानी माइनस 7 और 7 आएगी। इसके बाद आपको 4 दोनों साइड जोड़ देना है, यानी यहाँ 4 जोड़ दीजिए, यहाँ 4 जोड़ दीजिए, माइनस 7 में 4 जोड़ेंगे तो माइनस 3 आएगा और 4 में 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, तो माइनस 3 और 3 और 11 के बीच में हो गया है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, इसके लिए पहले साइन थीटा और कॉस थीटा, इसमें देखिए कि होना चाहिए फॉर्म क्या, हमारा फॉर्म कुछ इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसी हिसाब से निकालेंगे इसको, और स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ऐसा होता है। तो यहाँ पर साइन पहले है कॉस बाद में, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे, माइनस कॉस थीटा यहाँ ले आइए, साइन थीटा यहाँ ले आइए, इसका मतलब इसके आगे माइनस वन हो गया ए, इसके आगे वन बी हो गया, तो माइनस वन और वन यानी अंडर रूट वन स्क्वायर प्लस माइनस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, यानी कि माइनस अंडर रूट टू यहाँ आ जाएगा प्लस अंडर रूट टू यहाँ आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, एक माइनस वन है एक प्लस वन है। अब एक और भी है साथ में, वन और भी है, तो इसके साथ जोड़ दीजिए माइनस रूट टू प्लस वन और रूट टू प्लस वन, तो वन माइनस रूट टू और वन प्लस रूट टू इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ गई। नेक्स्ट वाला है, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू द साइन एंड कोसाइन ऑफ सिंगल एक्सप्रेशन। तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे आपके पास ये एक्सप्रेशन है रूट थ्री साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा के आगे जो है वो ए है, कॉस थीटा के आगे जो है वो बी है, तो रूट थ्री ए हो गया और माइनस वन बी हो गया, तो अब आप क्या करेंगे, इसको माइनस ये जो रूट थ्री होल स्क्वायर और माइनस वन होल स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर रहे हैं, ये ए है ये बी है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए बाहर और नीचे दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या बनने वाला है, रूट थ्री होल स्क्वायर होता है थ्री, वन का होल स्क्वायर होता है वन, तो अंडर रूट यहाँ फोर बनेगा, अंडर रूट फोर बनेगा तो वो टू हो जाएगा, तो ये जो है ये भी आपका अंडर रूट फोर ही बनेगा, टू बनेगा। तो बेसिकली क्या हुआ कि आप जब ये रूट थ्री बाई टू यहाँ ले आए और वन बाई टू यहाँ ले आए, रूट थ्री बाई टू होता है कॉस 30 डिग्री, मतलब कॉस पाई बाई सिक्स, और वन बाई टू इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाई सिक्स, यानी कि साइन 30 डिग्री। अब इससे क्या हुआ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी फॉर्मूला बन गया, ये क्या होता है साइन ए माइनस बी, यानी साइन थीटा माइनस पाई बाई सिक्स, ये हो गया टू साइन थीटा माइनस पाई बाई सिक्स। तो ये जो एफ थीटा है जो आपका बना टू साइन थीटा माइनस पाई बाई सिक्स। अब इसमें एक और चीज़ है, ये तो साइन में बना दिया, ज़रा कॉस में भी बना लेते हैं।
अब ये जो रूट थ्री बाई टू था, हाफ था, इसको हम कॉस के टर्म में ना लिखे साइन के टर्म में लिखेंगे। इसका मतलब ये जो हाफ है इसको हम लिखेंगे, इसको कॉस पाई बाई थ्री, और इसको लिखेंगे रूट थ्री बाई टू को साइन पाई बाई थ्री। क्यों? क्योंकि ये होता है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। कॉस पाई बाई थ्री कॉस थीटा माइनस साइन पाई बाई थ्री साइन थीटा, ये होता है कॉस ए प्लस बी कॉस पाई बाई थ्री प्लस थीटा, तो माइनस टू कॉस पाई बाई थ्री प्लस थीटा, इस तरीके से आ जाएगा। अब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, इसमें भी यही करेंगे। इसके आगे क्या है? वन। इसके आगे है माइनस वन, तो वन ए हो गया और माइनस वन बी हो गया। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करिए, यानी अंडर रूट वन स्क्वायर प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट टू। अंडर रूट टू आ गया ना, तो अंडर रूट टू से ऊपर मल्टीप्लाई करिए और नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये कट जाए, ताकि इसमें कोई फर्क ना पड़े। लेकिन हमने ये किया क्यों? देखें, ये रूट टू बाहर है, रूट टू नीचे आ गया। अब वन बाय रूट टू यहाँ से ले लें, वन बाय रूट टू यहाँ से ले लें, इनको लिख दीजिए साइन बाय पाई बाय फोर। आप जानते हैं साइन पाई बाय फोर जो होता है, यानी कि साइन 45 डिग्री होता है वन बाय रूट टू। इसी तरीके से वन बाय रूट टू यहाँ हो गया, कॉस पाई बाय फोर लिख दीजिए। ये फॉर्मूला हुआ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। तो साइन पाई बाय फोर माइनस थीटा हो गया, ये तो साइन के टर्म में आ गया। यहाँ पर आइए, अब क्या करेंगे? वन बाय रूट टू कॉस थीटा माइनस वन बाय रूट टू साइन थीटा तो मिला ही था। इस वन बाय रूट की टू की जगह अब आप कॉस पाई बाय सिक्स कॉस पाई बाय फोर यानी कॉस 45 डिग्री लिखिए। 1 बाय रूट टू की जगह यहाँ साइन पाई बाय फोर लिखिए, यानी साइन 45 डिग्री लिखिए। तो अब ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला है? ये कॉस ए प्लस बी का, यानी कॉस पाई बाय फोर प्लस थीटा, तो रूट टू कॉस पाई बाय फोर प्लस थीटा आ गया। नेक्स्ट वाला है 24 कॉस थीटा प्लस 7 साइन थीटा, तो इसमें ए हो गया 24, बी हो गया 7। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? 24 होल स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखिए, ये 24 होल स्क्वायर होता है 576, 7 स्क्वायर होता है 49, यानी अंडर रूट आएगा 625, जो कि होता है 25 के बराबर। बेसिकली आप 25 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 25 से नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ क्या आ गया? 25, ये पहले जो इसके साथ था 24 था वो तो रह गई, 25 बाहर, 25 नीचे। अब क्या करें इसको? यहाँ देखिए, जब हमारे पास ये आ गया तो अब ये जो 24 बाय 25 है और 7 बाय 25 है, इस 24 बाय 25 को आप मानिए 24 बाय 25। साइन अल्फा लिखिए इसकी जगह, साइन अल्फा है 24 बाय 25 और ये है 7 बाय 25 कॉस अल्फा। ये क्या है? 7 बाय 25। इसका कारण क्यों है? देखिए, मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है इसमें? ये 24, हाइपोटेन्यूज क्या है? 25। और ये क्या है? कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब बेस 7 हो गया, हाइपोटेन्यूज 25 ही है। 25 स्क्वायर है 7 स्क्वायर और 25 24 स्क्वायर के बराबर, मतलब एक ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम से ये होता है। तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं, तो 24 बाय 25 को साइन अल्फा, ये एंगल अल्फा है, और कॉस अल्फा लिख सकते हैं 7 बाय 25। तो अब ये क्या आ गया? इसको हम लिख सकते हैं साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा, यानी कि ये साइन अल्फा प्लस थीटा हो गया। और इसमें इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, साइन और कॉस को, तो आपका आएगा टेन थीटा। यहाँ से निकाल लीजिए, बल्कि परपेंडिकुलर बाय बेस 24 बाय 7, तो टेन अल्फा हो गया साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, राइट? अब ये तो साइन के फॉर्म में आ गया, कॉस के फॉर्म में लाना है तो क्या है? अब यहाँ पर आप लिखिए इसको कॉस अल्फा, इसी को लिखिए साइन अल्फा, ये आप लिख चुके है ना। यहाँ पर आपने क्या किया? इसको लिखा कॉस अल्फा, क्योंकि अब हम बोल रहे हैं ये हमारा अल्फा हो गया, ये अल्फा ले रहे हैं। साइन अल्फा हुआ परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 7 है इस अल्फा के हिसाब से, इस अल्फा के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज यह है। तो अब हमने ये एंगल लिया है अल्फा, तो इसको लिख रहे हैं कॉस अल्फा 24 बाय 25, इसके हिसाब से कॉस अल्फा होगा बेस अपन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 24 बाय 25, और इस अल्फा के हिसाब से अब परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया। तो साइन अल्फा क्या हुआ? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 7 है, हाइपोटेन्यूज 25 है। तो अब हम कॉस अल्फा साइन अल्फा लिखेंगे, इसकी जगह कॉस अल्फा, इसकी जगह साइन अल्फा। ये क्यों लिखा? कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा क्या होता है? ये होता है कॉस अल्फा माइनस थीटा। 25 कॉस अल्फा माइनस थीटा हो गया। लेकिन आपको ये भी बताना है, क्योंकि यहाँ पर टेन थीटा अलग लिया है आपने, टेन थीटा क्या होगा इसके हिसाब से? टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस ले लीजिए, परपेंडिकुलर हो गया 7, बेस हो गया 24। तो यहाँ पर टेन अल्फा हो गया साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, यानी कि 7/24। अब है शो करना है साइन 100 माइनस साइन 10 ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर बाहर इसके आगे क्या है? 1, इसके आगे है माइनस 1। ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाइए, क्या बनेगा? अंडर रूट 2। रूट 2 से मल्टीप्लाई करिए, रूट 2 से ही डिवाइड कर दीजिए, ये दोनों नीचे आ जाएंगे। ये जो है 1 बाय रूट 2 कॉस 45 हो गया,
डिवाइड बाई टू साइन 45 हो गया, तो ये हुआ कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, राइट। तो ये फॉर्मूला क्या हुआ साइन ए माइनस बी का, इसमें साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये होता है साइन ए माइनस बी का, साइन 100 माइनस 45 ये होता है साइन 55, साइन 55 तो ये पॉजिटिव होगा, है ना, साइन थीटा पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आप जानते हैं ऑल स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पर है 55 डिग्री, सारे पॉजिटिव होते हैं, ये पॉजिटिव है, रूट टू पॉजिटिव है ही, इसलिए पॉजिटिव होगा। अब है टू रूट थ्री प्लस थ्री है, इसमें टू रूट थ्री प्लस थ्री साइन थीटा प्लस टू रूट थ्री कॉस थीटा, ये आपको बताना है कि ये होगा इसके और इसके बीच में, यानी इसकी रेंज ये होगी। अब सबसे पहले आप देखिए कि इसके आगे ये है, इसको हम ए मान लेते हैं, इसके आगे बी है, हम इसको ए और बी मान लेते हैं। अब इसको स्क्वायर करके रूट लेंगे, यानी कि अगर हम ए टू रूट थ्री प्लस रूट थ्री, यानी इसको अगर हम टू रूट थ्री प्लस थ्री ले लें, मतलब परपेंडिकुलर साइड को, बेस को ले लें हम टू रूट थ्री, यानी कि बेस ये हो गया, हाइपोटन्यूज क्या होगी इन दोनों का स्क्वायर, और ऐड करेंगे रूट ले लेंगे, तो इसका स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करिए और यहाँ पर रूट लीजिए, ये आएगा आपका 33 प्लस 12 रूट थ्री अंडर रूट। अब ये जो टर्म आया है इसको ऊपर मल्टीप्लाई करिए और नीचे डिवाइड करिए इस वाले टर्म से, मतलब ये वाला टर्म मान लीजिए ये x है, तो x को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए, तो ये बाहर रह जाएगा, नीचे वाला हम इनके नीचे लिख देंगे। ये वाला जो टर्म है आप यहाँ देख ही रहे हैं, अगर ये फाई है तो ये वाला जो टर्म है ये बताता है साइन फाई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये साइन फाई हो गया, इसकी जगह साइन फाई लिख देंगे। ये कितना हुआ, ये है परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सॉरी, तो इसकी जगह हम ये टू रूट थ्री, थ्री हम परपेंडिकुलर बोल रहे हैं तो हमने इसको कहा हाइपोटेन्यूज, ये साइन फाई हो गया, इसकी जगह ये टू रूट थ्री है, ये क्या हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस आपका टू रूट थ्री हो गया, बेस बाय हाइपोटेन्यूज हो गया, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन फाई, अगर ये फाई है, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉस फाई, ये तो रहेगा सामने, ये क्या बना साइन फाई कॉस, साइन फाई साइन थीटा प्लस कॉस फाई कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है कॉस थीटा माइनस फाई का, कॉस थीटा माइनस फाई का ये फॉर्मूला होता है। अब इसके आगे ये लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई भी किया था, तो कॉस थीटा माइनस फाइव या कॉस की वैल्यू कहाँ होती है, कॉस थीटा की वैल्यू या फाई की वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में होती है, तो हमें ये देखना है, इससे हमारा रेंज मिलेगा। अब इसको देखिए, इस अंडर रूट 33 प्लस 12 रूट 3 को हम लिख सकते हैं, 33 को लिख सकते हैं 15 प्लस, इसको लिख सकते हैं 15 प्लस 12 प्लस 6 ऐसे लिख सकते हैं, बाकी 12 रूट 3 तो ऐसे ही है, 15 12 6 को जोड़ेंगे तो 33 ही आएगा। अब इसमें एक चीज़ है, ये जो 6 प्लस 2 रूट 3 है, 6 प्लस 2 रूट 3 अगर मैं इसको लिखूँ, सॉरी 12 रूट 3 है, ये 12 रूट 3 चल रहा है, ये 12 है, 6 प्लस 12 रूट 3 अगर इसको लिखा जाए तो ये कम होगा 12 रूट 3 से, 12 रूट 5 से। ये क्यों लिखा कि 6 प्लस 12 रूट 3 कम होगा 12 रूट 5 से, इसका कारण है, इसका कारण ये है कि हमको लाना ये है, इस कारण से इसको देखने के बाद हमने ये तय किया कि ये वाला जो टर्म है इसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से रिप्लेस करना पड़ेगा। मैं फिर से बताता हूँ, ये जो 6 प्लस 12 रूट 3 है ये कम है 12 रूट 5 से, आप करके देख लीजिए, रूट 3 और रूट 5 इसका डिफरेंस जो होता है वो मोर देन 0.5 निकलेगा, अगर आप कैलकुलेटर से भी निकालेंगे 0.3 की वैल्यू, यहाँ पर 1.73 लिख दीजिए, इसकी वैल्यू आप रख दीजिए तो आप देखेंगे ये कम ही आएगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम ये इनइक्वालिटी कह रहे हैं तो अगर हम इसकी जगह पे 6 प्लस 12 रूट 3 यहाँ पर इसकी जगह हम ये 12 रूट 5 अगर रिप्लेस कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस एक्सप्रेशन में, तो इसको हम लिख सकते हैं 15 प्लस 12, अब इस 6 प्लस 12 रूट 3 की जगह हम 12 रूट 5 लिख रहे हैं, राइट। अब इसको अगर आप स्क्वायर कर दें और इस 2 रूट 3 प्लस 15 का स्क्वायर कर दें तो दोनों एक ही टर्म है, दोनों एक ही टर्म आएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा। कहने का मतलब ये टर्म जो हमने किया, सबसे पहले हमने कहा ये 6 प्लस 12 रूट 3 और 12 रूट 5 में हमने एक कंपेरिजन बनाया, हमने कहा कि हम इसकी जगह ये रख सकते हैं, यहाँ रख दिया, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर करेंगे सेम, बेसिकली दोनों सेम ही टर्म है, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, ये हो गया, बेसिकली इसका स्क्वायर करके ये आता है।
टू रूट थ्री प्लस अंडर रूट 15, तो इस पूरे टर्म को जो हम यहां से शुरुआत कर रहे हैं इसको हम लिख सकते हैं टू रूट थ्री प्लस 15। इसका मतलब ये जो कॉस वाला टर्म है हमारा कॉस थीटा माइनस फाइव, इसको मैं एक्स बोल देता हूं, ये एक्स है, एक्स ये किसके बीच में आ गया, इस टू रूट थ्री प्लस फिफ्टीन नेगेटिव और यहां आएगा टू रूट थ्री प्लस 15 पॉजिटिव। यही आपको प्रूव करना था।